भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने जेजेपी पर निशाना साधा है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि सीएम कहने भर से कोई सीएम नहीं बनता, सीएम पद के लिए विधायकों की संख्या का बल चाहिए होता है। कल भिवानी में जेजेपी रैली में दुष्यंत को सीएम कहा गया था। सुनीता दुग्गल ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी वार किया। जिला परिषद की कुछ सीटें जीतने से सरकार नहीं बनती, सुनीता दुग्गल ने कहा, और कहा कि अभय चौटाला विधानसभा और लोकसभा में जीत का सपना न देखें, एक विधायक के साथ सरकार बनाने का दावा करना बेमानी। सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम कहने भर से कोई सीएम नहीं बनता, और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा सुनीता दुग्गल ने। देखिए, ये जनता डिसाइड करती है कि कौन सीएम बनेगा, जिसके विधायक ज्यादा होते हैं उसके बाद विधायक दल फिर ये निर्णय लेता है कि कौन सीएम होगा। किसी को भी ऐसे कह देने भर से कोई सीएम तो नहीं बन जाता, क्योंकि एक परंपरा है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही कोई सीएम बनता है। और बाकी हर कार्यकर्ता को ये लगता है कि उनका नेता जो है वो बड़े ओहदे पर होना चाहिए, बड़े पद पर होना चाहिए, तो ये तो हर कार्यकर्ता ऐसा है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2007 के अंदर स्वयं जो है हमारे जो विधायक जी हैं आदरणीय हमारे भाई अभय जी, वो खुद जिला परिषद के चेयरमैन थे। और उसके बाद 2009 में चुनाव हुए तो क्या स्थिति रही। तो अगर कोई एक पूरे हरियाणा, इतना बड़ा हरियाणा है, उसके अंदर अगर कोई दो चार पांच अगर कोई जिला परिषद के मेंबर बन भी गए, वो भी आज़ाद जो हैं, कोई इनके सिंबल पर नहीं बने हैं, वो भी आज़ाद हैं, तो ऐसे उसमें ये दावा करना कि चार पांच जिला परिषद के मेंबर बनने के बाद आप पूरी सरकार जो है बना लेंगे, तो बहुत निराधार है। मुझे लगता है कि जनता इन सब बातों को वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। अमित, कई मुद्दों पर बात रखी सुनीता दुग्गल ने, और दुष्यंत चौटाला वाला कल जो प्रकरण हुआ उसमें सीएम पद के लिए विधायकों की संख्या बल, इस पर भी निशाना साधा है सुनीता दुग्गल ने। जी बिल्कुल केशव, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, विशेष रूप से जो मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल थे उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने उन तमाम चर्चाओं को अनर्गल बताते हुए कहा कि ऐसी कोरी अफवाहें हैं और ऐसी अफवाहें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेहतरीन काम किए अब तक के तमाम मुख्यमंत्रियों में, और इस प्रकार की अफवाहों को जो है इनसे बचना चाहिए, ऐसी ये अनर्गल बातें नहीं बनानी चाहिए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो इनेलो के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उनकी ओर से कहा गया था कि जिला परिषद सिरसा में उनकी 10 सीटों पर जीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे और हरियाणा विधानसभा में भी निश्चित रूप से उनका बहुमत आएगा, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ जो जिला परिषद सीटें जीत लेने से एक जो एमएलए है, एक जो विधायक है, वो सरकार नहीं बना सकते, इसके लिए पूरा बहुमत चाहिए। और साथ ही साथ जो कल दुष्यंत चौटाला की रैली हुई जेजेपी की, उसमें दुष्यंत चौटाला के लिए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की बात कही थी, उसको लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केवल बात करने से नहीं होता, इसके लिए पूरी संख्या बल चाहिए विधायकों का, तो ऐसे में और हर कार्यकर्ता की एक भावना रहती है कि उनका नेता जो है वो आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए संख्या बल जरूरी है, केवल बातें बनाने से नहीं होगा। जी केशव, बहुत शुक्रिया आपका अमित इन जानकारियों के लिए।